आप सुन रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची और मैं हूँ आपकी प्यारी भार्गवी। वर्ल्ड फेमस लवर किताब के लेखक मिस्टर गौतम आज जेल से छूटने वाले हैं। किताब में गौतम और यामिनी की अधूरी कहानी होते हुए भी उसकी 50 लाख कॉपी बिक चुकी है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज गौतम अपने फैंस से मिलकर इस कहानी का राज खोलने वाले हैं। तो शाम को मिलना ना भूलें, तब तक सुनते रहिए ये खास गाना 98.3 मिर्ची पर। इट्स हॉट। गौतम चलो। आजा। ओके ओके, आराम से, एक एक करके। हाथ हिलाने, स्माइल करके। ओके ओके, हाँ, ठीक है। ओके, बाद में, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम होम गौतम, तेरी बुक्स और लैपटॉप वहां टेबल पर है और वो रिव्यू आ गए हैं। अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। तेरे घर चलते हैं ना। अरे वहां बाद में चले जाएंगे, तू अंदर तो आ, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास बहुत काम है। देख, हमारी एक प्रेस मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें फैंस को ऑटोग्राफ देना है, फिर तू सबको वर्ल्ड फेमस लवर की बाकी बची हुई कहानी सुनाएगा। हमें बहुत कुछ करना है आज, बैठना। हेलो। हाँ वो प्रेस मीटिंग आज ही है, हाँ पहुंच जाएंगे। यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं। तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ गौतम, मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। गौतम तुम क्या सोच रहे हो? इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। हमारे बुजुर्ग ना सही कहते हैं, जब हम कुछ खोते हैं तो हमें उससे बेहतर ही मिलता है। शायद तेरे साथ भी यही हो रहा है। अगर तुम्हारे बीच झगड़ा नहीं होता तो शायद ये बुक कभी नहीं छपती और शायद तुझे इतनी सक्सेस भी नहीं मिलती। भाई तू जानता है तू कितना लकी है, तूने उसके सिर पर पत्थर मारा फिर भी वो बच गया और तुम सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गए। आज तक कभी सुना है कि किसी बुक का आखिरी पेज खाली होने के बावजूद उसकी 50 लाख कॉपी बिकी हो? मेरी बात मान गौतम, प्लीज जाओ और उस कहानी को कंप्लीट कर दे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस लवर, तैयार हो जा। आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। शायद इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक लेखक को उसकी किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन का अर्थ ना हो और किताब का अंत ना हो तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन इस बुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सॉरी गौतम, ये बुक हमने तुम्हारी परमिशन के बिना ही CC पब्लिशर द्वारा छपवा दी थी। शायद ये हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है कि हम इतना अहम निर्णय ले सके, क्योंकि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं इस किताब को पब्लिश किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाया। तो और वक्त गवाए बिना मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, द वर्ल्ड फेमस लवर हिमसेल्फ गौतम। आप सब लोग काफी अरसे से ये जानना चाहते हैं कि बुक का अंत क्या और कैसे होगा, है ना? We love you, Gautam! We love you! We love you, Gautam! सर, यामिनी और गौतम का क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब गौतम जेल गया तो यामिनी टूट गई और उसका इंतजार करने लगी। उसने किसी के साथ शादी नहीं की,
किताब के नाम पर कहानी ऐसे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। वर्ल्ड फेमस लवर बुक में जो यामिनी और गौतम की जो कहानी आपने पढ़ी है वो मेरी कहानी है, और असली जिंदगी में कोई इंतजार नहीं करता, हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी में बैकस्पेस बटन नहीं होता, हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता है। यामिनी ही मेरी सब कुछ थी, मैंने मां बाप से ज्यादा यामिनी के साथ वक्त बिताया है। जब मैं राइटर बनना चाहता था तब उसने मुझे सपोर्ट किया, बस एक साल के लिए। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था तब वो मेरे साथ थी, जब मैं ये किताब लिख रहा था तब वो मेरे साथ थी, और आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा तो मेरे साथ नहीं है, वो अपने परिवार के साथ पता नहीं कहां पर है। आई मिस हर। राइटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदगी में तो मैं फेलियर ही हूं, क्योंकि मैं उस खास इंसान को समझ नहीं पाया जो मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी। मुझे लगा उसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर मैंने कोई बड़ा बलिदान कर दिया। मुझे लगता था इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो मुझे समझ नहीं पाए। शुरू में मैंने श्रीनु और सुवर्णा की कहानी लिखी, उसमें श्रीनु स्मिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पास लौट गया, तो मुझे लगा कि श्रीनु ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे लगा श्रीनु के त्याग की प्रेरणा मेरे अंदर से मिली है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज श्रीनु ने नहीं किया था, सुवर्णा ने किया था। उसी तरह मैंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यामिनी ने किया था। पेरिस की कहानी में भी जब गौतम ने ईसा के लिए अपनी आंखें दान कर दी तो मुझे लगा ये मेरा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन उस गौतम ने जो बलिदान दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि यामिनी का था। यामिनी अपना घर और परिवार छोड़कर मेरे साथ आई, और किस लिए? सिर्फ मेरे प्यार के लिए। पता नहीं क्यों मैंने उसे पहले की तरह प्यार करना बंद कर दिया, लेकिन वो मेरा मां की तरह ख्याल रखती रही। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी कहानियां और उसमें मौजूद लोगों का सारा कॉम्प्रोमाइज, बलिदान और प्यार की भावना सब उन पलों से प्रेरित है जो मैंने यामिनी के साथ बिताए। इस किताब पर जो लिखा है वर्ल्ड फेमस लवर, वो मैं नहीं हूं, यामिनी है मेरे लिए वर्ल्ड फेमस लवर, यामिनी है। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, हाय। हाय गौतम, तुमने बिल्कुल सच कहा था, मैंने हमेशा पैसों से प्यार किया, नो रिग्रेट्स। पैसों के पीछे भागते भागते मैंने कभी अपनी बीमार बीवी का भी ध्यान नहीं रखा, उसे पचा नहीं पाया मैं। उस दर्द का तो हकदार मैं अपने को मानता हूं, लेकिन ये जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुम्हें यह बताने नहीं आया हूं कि मैं बदल गया हूं या फिर मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूं, मैं तो बस इस दर्द से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हें जेल हुई है,
उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शादी के लिए मना कर दिया। तुम्हारे पागलपन की सजा मेरी उस प्यारी बेटी ने भुगती है। तुम्हें पता है वो 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ये 2 साल उसने रोते हुए उस कमरे में बिताए। उसका कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ ये सजा भुगती है उसने। दरअसल मेरी बेटी के अंदर तुमसे मिलने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। क्या कहा था तुमने कि जो जहां भी है वो वहां खुश रहे? ऐसा कह देने से वो खुश रहेगी? वो तुम्हारे बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकती। एक एहसान करो मुझ पर, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी, मैंने तुम्हें आज तक जितना भी दर्द दिया है उसे मिटाकर अब जिंदगी में सिर्फ प्यार भरना चाहता हूं। घर का पता जानते हो ना, मेरे GPS। चलो घर चलते हैं।